डैड आई एम वेरी सॉरी, मुझे तो आपके साथ दिल्ली चलना चाहिए लेकिन। अरे डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जीते रहो बेटा। निशा, बिल्ली को देख के डर गई? मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। अरे बेटा ये तो अपने मालिक की बिल्ली है, तुम इसे देख के डर गई है? चलो बेटा रवाना होने की तैयारी करो, बहुत दूर का सफर है। जी नहीं, आज ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? अरे घर में बिल्ली नजर आ गई और आप कहते हैं कि। ओफो सविता, अरे इतनी मुश्किल से तो हमारे बेटे को हनीमून पे जाने का टाइम मिला है और तुम ये अपशगुन का ढोंग लेके बैठ गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह हमने घर में काली बिल्ली देखी है, इससे ज्यादा अशुभ कुछ हो सकता है? सविता सविता होल्ड इट, क्या सुबह सुबह? अरे हमारा बेटा हनीमून पे जा रहा है और तुम ये शुभ अशुभ की बात लेके बैठ गई है? चलो चलो बेटा तैयारी करो, और सुनो ये फाइल मैंने अच्छी तरह से चेक कर ली, आने के बाद इसकी स्टडी कर लेना। ओके ओके चलो। चलो भाई। मगर वो बिल्ली? सविता छोड़ो बिल्ली को, चलो। ध्यान से जाना बेटा, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। अब बस भी करो सविता, देर हो रही है। चुप ही करिए। जीते रहो, संभल के जाना, संभल के आना। ओके जाऊं? बैठो बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। अब निकलने से पहले तुम्हारा तो कुछ बाकी नहीं है ना पूजा पाठ? चलो अंदर। क्या हुआ? लगता है कुछ गाड़ी के नीचे आ गया। मैं ओह गॉड, बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई। हे भगवान, इससे भी अभी होना था? अजय बेटा आज मत जाओ, जरूर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है सविता? तुम भी माली, माली मैंने तुमसे कहा था ना अपनी बिल्ली संभाल के रखो, अब लेके जाओ इसे, पीछे कहीं गाड़ो, ले जाओ। चलो बेटा चलो, देर हो रही है, चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्ली का मरना अपशगुन होता है। अरे कुछ अपशगुन नहीं होता, तुम भी क्या बकवास लेके बैठ गई, सबसे बड़ा अपशगुन है तुम्हारा बार बार टोकना। चलो बेटा चलो, तुम्हारी माँ तो बस। चलो माँ फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, नीचे चलो गाड़ी में बैठो। चलो बेटा चलो। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम तो बेकार में। टेक केयर बेटा। ए भगवान इनकी रक्षा कर ले। भगवान जी खुश हो गए? अब ये बताओ कि मांगा क्या? यही कि आपको रोज मंदिर जाना सिखाए। मंदिर के रोज जाते हैं? बिल्कुल, मैं तो जाती हूँ, इससे मन पवित्र रहता है, कोई डर नहीं लगता। अच्छा इसीलिए तुम बिल्ली को देखकर डर गई थी? वो बात अलग है, मुझे तो बिल्लियाँ बचपन से ही नहीं पसंद। पसंद क्या, अगर कोई बिल्ली मुझे मिस्टेक से छू भी लेती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमाल है। अच्छा ये बताओ कि मैंने क्या मांगा? क्या मांगा? अरे गेस तो करो। मुझे नहीं पता। अच्छा बाबा बता देता हूँ, मैंने मांगा एक प्यारा सा बेटा। धत? अरे धत क्या, तुम्हें पता नहीं मुझे बच्चों से कितना लगाव है, और अपना बच्चा हो तो बात ही क्या। अच्छा भाई अभी तो शादी हुई है और अभी से ही फरमाइश? इसमें फरमाइश की क्या बात है, प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने प्रोडक्शन टाइम 9 महीने का रखा है, वरना मेरे पास चले तो अभी। बेशर्म हो बिल्कुल तुम। अच्छा चलना नहीं है क्या? अरे हाँ चलो 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 चलो। गाड़ी आराम से चलाना। हाँ ओके। बहुत दूर है क्या? भगवान जी को बाय बोला। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है। हाँ लगता है बिजली गई हुई है। आ गए आप? तुम कौन हो? शंभू, शंभू नाम है मेरा, यहाँ का केयर टेकर। अच्छा तो तुम हो यहाँ के नए केयर टेकर? चंदर साहब का फोन आ गया था। अच्छा लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों?
पहाड़ी इलाका है, बिजली आती जाती रहती है। मैंने मोमबत्तियां मंगा के रखी हैं। नंदर साहब का फोन आया था, आप चलिए अंदर, मैं सामान पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो। संभल के आना, स्टेप से ठंडा ना बस। रो यार, जंगली जानवरों का खतरा है। खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना अंदर से। बिस्तर पर कुछ नहीं है? नहीं, यहीं पे थी, यहीं पे थी बिल्ली। तुम्हें तो हर जगह बिल्ली नजर आती है निशा। कम ऑन निशा, बहुत रात हो गई, कपड़े चेंज करो और सो जाओ। सुनाई दे रहा है? नहीं तो। ठीक से सुनो, किसी की रोने की आवाज आ रही है। निशा, कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा वहम होगा, सो जाओ प्लीज। बहुत रात हो गई, सो जाओ। निशा, ये रोने की आवाज कहां से आ रही? निशा, 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 Yeah.
तुम यहाँ कैसे आई और यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फीवर है, मैं कुछ दवाइयाँ भी डिस्पेंसरी से भेज देता हूँ और इसे आराम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन एक बात का ख्याल रखने से बाहर मत जाने देना। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी फीस? कैसी बात करते हो, अरे भाई चंदर बाबू के बेटे हो तो फीस कैसी। अच्छा मैं चलूँगा, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना। ओके थैंक यू डॉक्टर। मैं घर जाना चाहती हूँ। निशा सुना नहीं तुमने, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे मुंबई ले चलो। अरे चलेंगे ना, कुछ दिन आराम तो कर लो। आराम नहीं करना है मुझे, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है और तुम्हें भी तो वहाँ काम है। हाँ काम है लेकिन उसमें भी देर है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मुंबई ले चलो। हाँ चलेंगे निशा, अब जल्दी चलेंगे। तुम मुझे ले जा रहे हो या मैं खुद चली जाऊं? क्यों जिद कर रही हो? अच्छा ठीक है चलेंगे, कल चलेंगे बस। कल नहीं, अभी। ओके चलो। अरे तुम कब आए? बस अभी आया माँ। लेकिन तुम लोग तो 7-8 दिन रह के आने वाले थे ना? हाँ माँ, लेकिन वो निशा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए वापस आना पड़ा। कहाँ है वो, सब ठीक तो है ना? हाँ वो मैं ठीक हूँ। पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो दिल्ली गए हैं। लेकिन ये बिल्ली, निशा ये बिल्ली तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे ये तो मर गई थी ना? नहीं। लेकिन निशा तुम्हें तो बिल्ली से डर लगता है ना? नहीं तो किसने कहा? कब आएंगे पापा? 10-15 दिन में आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्ली, मैं उनका इंतजार करूंगी। हेलो हेलो। हाँ आजा बेटा। हाँ पापा मैं अजय बोल रहा हूँ। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ पापा हमें वापस आना पड़ा, वो क्या है कि निशा की तबीयत खराब हो गई। क्यों क्या हुआ? नहीं नहीं थोड़ा सा फीवर हो गया था, अभी ठीक है। अच्छा अच्छा अब मेरी बात कराओ। अभी देता हूँ, निशा पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो पापा। हाँ बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। लेकिन अजय कह रहा है तुम्हें बुखार है। नहीं तो आप कब आ रहे हो वापस? मैं आपसे मिलने वापस आई हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ भाऊ? कुछ भी तो नहीं, मुझे आपका इंतजार है पापा, आप जल्दी वापस आ जाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ, आता हूँ बेटा। हेलो हेलो पापा, पिक अप द फोन। सदा सुहागन रहो। प्रसाद लीजिए। बैठिए ना। और बताओ सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, पर मुझे आपसे एक शिकायत है, आप अज्जू की शादी पे क्यों नहीं आए? इस बात का दुख तो मुझे भी है बेटी, लेकिन क्या करता,
गुरु जी का अंतिम समय आ गया था, इसलिए मुझे हरिद्वार जाना पड़ा। उनका क्रियाकर्म करके अब लौटा हूं और सीधा तुम्हारे पास आ गया। कहां है वरवधु? मिलवाओगी नहीं मुझसे? कैसी बातें करें गुरु जी, उन्हें तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए। अजू ऑफिस गया हुआ है, मैं बहू को बुला देती हूँ। हरिया, हरिया जी मालकिन। हरिया बहू से कहो कि पुरोहित जी आए हैं। जी मालकिन। बैठिए ना पुरोहित जी, आइए। छोटी मालकिन, गुरुदेव आए हैं, नीचे माजी ने बुलाया है। बहू तो हमें बहुत अच्छी मिल गई है, बस अब एक नन्हे मुन्ने की जरूरत है। अवश्य होगा। मालकिन, वो हरिया। क्या हुआ हरिया को? मालकिन वो नीचे। अरे लेकिन मैंने तो उसे बहू को बुलाने के लिए भेजा था। क्या? हाँ भाई। ऐसे क्या बात हो गई है पुरोहित जी? पुरोहित जी आप खामोश क्यों हो गए हैं, बताइए ना। पुरोहित जी, हे भगवान, अब क्या होगा? रोहित जी आप बैठिए, मैं अपनी बहू को लेके आती हूँ। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों? ये तू किसे बहू बनाकर ले आई बेटी? पुरोहित जी मैं कुछ समझी नहीं। वो एक प्रेत आत्मा है। एक साया है वो। गुरु जी ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मां तुम भी कमाल करती हो। गुरु जी यहां पर तुम्हारे बहू के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं और तुम खड़े होकर सुन रही हो। गुरु जी चलिए यहां से, चलिए जाइए यहां से। अजी क्या कह रहे हो? मां तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद है। यही वजह है कि पिताजी भी नाराज रहते हैं। पूजा पाठ तक ठीक है लेकिन रूल जरूर बातों का इस घर में कोई काम नहीं है। मां आप जाइए यहां से, चलिए चलिए। अजी प्लीज। जाता हूं बेटा लेकिन प्रार्थना करूंगा कि इस घर का कल्याण हो, उस साये का साया किसी पर ना पड़े। ऑफ ऑफ जाते हैं या मैं कुछ चाहिए ऐसे? चलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे मालूम था तुम आओगी बेटी। रोहित जी आपने जो बहू के बारे में कहा था क्या वो सच है? निसंदेह वह तुम्हारी बहू नहीं कोई साया है। वह किसी उद्देश्य से तुम्हारे घर में आई। कैसा उद्देश्य? नहीं मालूम। अब क्या होगा? मेरे रहते तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, अब से कुछ ही समय में वो स्वयं चलकर मेरे पास आएगी।
उसके बाद वो तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगी। मैं उसको वश में करने के लिए साधना में बैठने जा रहा हूं। अब तुम जाओ, नहीं तो मेरी साधना में विघ्न पड़ सकता है। गुरु जी, आप सब संभाल लेंगे ना? बस आप ही का तो सहारा है। हरिओम। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कौन मैं? भूल गए इतनी जल्दी? मैं निशा बोल रही हूँ। अरे बहू, लेकिन तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बदली हुई सी लग रही। आप नहीं है ना, इसीलिए सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आप जल्दी वापस आ जाइए, मैं आपके इंतजार में तड़प रही हूँ। ये क्या कह रही हो बहू? वही जो आप सुन रहे हैं, आप जब तक नहीं आएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहू, मैं क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। पुरोहित जी कैसे हैं माँ जी? आजा, मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। चल, चल, तेरी प्रतीक्षा खत्म हो गई, मगर मेरी प्रतीक्षा के रास्ते में आने की कोशिश मत करना पुरोहित। उस घर को तू छोड़ दे, चली जा वहाँ से सदा के लिए, वरना तू क्या कर लेगा? तेरी ये 10 घंटे की साधना मेरे 10 वर्षों की तपस्या के सामने तुच्छ है पुरोहित। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे अंजाम देने के बाद मैं उस घर से जाऊंगी। जो भी तेरा काम है उसे यहीं पर त्याग दे, उस घर को तू छोड़ दे, उस परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है। ठीक है पुरोहित, तू अपना धर्म निभा और मैं अपना कर्म करूंगी। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू मुझे क्या भस्म करेगा? अब देख मैं क्या करती हूँ। अजय कहाँ है? उसे फोन दो। ऑफिस गया हुआ है। अच्छा, बहू से बात कराऊं? नहीं, मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी।
मुझे वहां जाने को डर लगता है। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? हमारी बहू प्रेतात्मा है। क्या बकवास है, तुम्हारी हुलजुलूल बातें खत्म नहीं हुई अभी तक। मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन दो दिनों में दो मौतें हुई हैं। क्या? हरिया और पुरोहित जी की। कैसे? इसी प्रेत आत्मा की वजह से। फिर वही बकवास। ठीक है, आप खुद ही आके देख लीजिए कि ये हकीकत है ये बकवास है। बस प्लीज घर वापस आ जाइए मेरी खातिर। हाँ हाँ बाबा, आता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। आपको बेर का समय। ओके। अच्छू, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? सब गड़बड़ हो गया माँ, पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जब तक वो इस घर में है ना, नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। मुझे पता है कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। माँ प्लीज, फिर वही बात। हाँ फिर वही बात। तुझे याद नहीं है कल पुरोहित जी ने बहू के बारे में क्या कहा था? सब बेकार की बातें हैं माँ, इज अ फ्रॉड। इसीलिए उनका खून हो गया ना? क्या? हाँ, पुरोहित जी को किसी ने ठीक उसी तरह मार डाला था जिस तरह हरिया को मारा था। और आपका शक निशा पर? शक नहीं, यकीन है। हमारी बहू इंसान नहीं, प्रेत आत्मा है। माँ तुम भी क्या बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब करती रहती हो। मुझे मालूम है निशा बिल्कुल ठीक है। क्या मालूम है तुझे? तुझे दिखता नहीं वो कितनी बदल गई है? वो निशा तो बिल्ली को देखकर चिल्लाती थी, और ये अपने सीने से उसे लगाकर घूमती है। पहले निशा कितनी शांत थी, और अब? तो अब क्या चाहती हो तुम? इस घर की भलाई चाहती हूँ बेटा, और इसके लिए हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। कम से कम एक बार सच्चाई का तो पता लग जाए। लेकिन देखो, तुझे मेरी कसम है, मैं नीचे देर इंतजार करती। आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है, अभी एक और बाकी है। पहली दो मौतें जो हुई हैं वो घर से बाहर के लोगों की हुई हैं, लेकिन इस बार जो मरने वाला है वो घर का ही कोई होगा। महाराज आप कुछ कीजिए ना। मां तुम भी, ये सब बेकार की बातें हैं। अजू महाराज, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी बहू पर किसी शक्तिशाली साया का असर है। महाराज लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। हाँ, ये नींबू ले जाओ और अपनी पत्नी के तकिया के नीचे चुपके से रखो, और सुबह उठकर देखना। ये सब बकवास है, मैं ऐसा ढोंग नहीं मानता। लड़के! महाराज महाराज इसे माफ कर दीजिए, ये नादान है। दरअसल ये मेरी बहू को बहुत चाहता है। लाइए आप मुझे दे दे। इतना विश्वास है अपनी पत्नी पर तो किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर देख उसे। पवित्र स्थान? वो रोज मंदिर जाती है। अपने सामने उसे मंदिर ले जाकर देख, अगर वो चल पड़ती है तो ठीक है, वरना सीधे मेरे पास चले आना। मुझे मालूम है वो मंदिर नहीं जाएगी, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा पुरोहित भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए। और एक बात, जितना जल्दी यह काम हो जाए तुम लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। बच नहीं सकती तो नहीं छोड़ूंगा तुझे।
क्या हुआ? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? डिस्टर्ब्ड? नहीं तो? तो फिर घबरा क्यों रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात सुनो, मैं सोचा था कि ये सोचना मोचना छोड़ दो, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज? गैस। निशा पहेलियां मत बुझाओ प्लीज, बताओ ना। अरे सोचो ना, सोचो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है मुझे नहीं मालूम, बताओ ना। तुम एक बच्चे के बाप बनोगे ना, तब भी वैसे की वैसे ही रहोगे। क्या मतलब? बुद्धू। अब यू मीन टू से सच? Hey, that's good news! Nisha, I love you so much! मैं अभी जाके एक खबर माँ को सुनाता हूँ। माँ, क्या बात है बेटा? सुना तुमने? निशा माँ बनने वाली है। अच्छा। I am going to become a father. तुम दादी बनने वाली हो। निशा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है। निशा आज मैं कितना खुश हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें बेटा चाहिए बेटी? मुझे क्या पता। हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा मंदिर के पास से गुजर रहे तो पहले मंदिर चलते हैं। मुझे नहीं आना मंदिर। निशा कमाल कर रही हो, तुम ही तो कहती थी कोई भी शुभ काम करने से पहले मंदिर चलना चाहिए, और इतनी अच्छी खुशखबरी सुनने के बाद तो भगवान की आशीर्वाद तो लेनी चाहिए ना। नहीं, मुझे नहीं आना मंदिर। ये क्या हो गया तुम्हें निशा? अरे तुम तो रोज मंदिर आती हो ना, और तुम्हें याद नहीं मैंने तुमसे कहा था कि ये गुड न्यूज सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ रोज मंदिर जाऊंगा। हम पहले मंदिर जाके भगवान के आशीर्वाद लेंगे, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। मुझे नहीं आना मंदिर। कम ऑन मुझे नहीं आना निशा, कम ऑन, जिद मत करो यहाँ पर आके। निशा 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 अपने सामने उसे मंदिर ले जाकर देख, मुझे मालूम है वो मंदिर नहीं जाएगी। सही था, कल रात उसके बिस्तर के नीचे मैंने ये नींबू रखा था, सूख गया है। अरे तुझे चोट कैसे लगी? माँ वो मैं निशा को मंदिर ले जाना चाहता था लेकिन नहीं गई ना वो, मेरी बात का यकीन हो गया था, दुष्ट आत्मा है, छोड़ दो उसे बेटा। कैसे छोड़ दूँ माँ, वो मेरी पत्नी है। वो हम सबको बर्बाद कर डालेगी, अजय छोड़ दो उसे। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, उसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा वो हम सबको तबाह कर डालेगी बेटा, तबाह कर डालेगी। याद है पापा ने क्या कहा था? दो मौतें तो हो चुकी है, तीसरी हम में से एक ही है, भगवान ना करे तुझे या उनको कुछ हो गया तो। एक बात बताओ माँ, अगर ये सब कुछ उसकी जगह मेरे साथ हुआ होता तो क्या करती तुम? कुछ नहीं जानती मैं, कुछ नहीं जानती। अगर तू उसे नहीं छोड़ सकता है, तो फिर एक ही रास्ता है। क्या माँ? तांत्रिक बाबा। जय चामुंडाय नमः, 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 जय काली माँ।
जय काली माँ। कहाँ है तुम्हारी बहू? बाबा वो ऊपर है। मैं खुद बुलाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं आती है वो। उसे आना ही होगा वरना जलाकर भस्म कर दूंगा मैं उसे। मैं आ गई। बोल क्या कर लेगा तू? मैं आ गई। बोल क्या कर लेगा तू? मेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह भी कम उठेगी। मुझे, मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बीच में मत बोल। माँ प्लीज रोको इसे, प्लीज। बेटा ये तो जरूरी है ना? बोल क्यों आई है तू यहाँ? नहीं बताऊंगी। ठीक है मैं बताता हूँ तुझे। बोल कौन है तू? बोल बोल मुझे और मार। मैं यहाँ से भाग जाने वाली नहीं हूँ। बोल कौन है तू? बता। मैं चांदनी हूँ और मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। ऐसा बदला? बोल। इस घर के मालिक से, चंद्र शर्मा से। ये चंद्र शर्मा कौन है? मेरे पति। तू इस बेचारी कन्या को दर्द पहुंचा रही है, इसका एहसास है तुझे? तुझे मेरे दर्द का एहसास है? कैसा दर्द? वो जो मुझे उसने दिया, जिसका बदला लेने मैं यहाँ आई हूँ। क्यों बदला लेना चाहती है तू उससे? बोल बता। तू जानना चाहता है तो सुन। 10 साल पहले मैं उसके फार्म हाउस में गई थी। वहाँ चंद्र शर्मा बैठा था, शराब पी रहा था। मुझे देखते ही वो मुझ पर झपटा। मेरी बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली की थी, उस पर झपटी और उसने मेरी प्यारी बिल्ली किटी को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। मैं वहां से बाहर भाग गई। किसी को नहीं पता चला कि मेरा क्या हुआ। मेरे मम्मी पापा मेरा अभी भी वहां पे इंतजार कर रहे हैं। यही है मेरी दर्द भरी दास्तान।
और तुम कहते हो कि मैं उस पापी को छोड़ दूं बिना मेरा बदला लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। रुको उसे, इसमें बहुत ही शक्तिशाली साया है, उसे मारकर ही दम लेगी। पापा आप कुछ करिए ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम लोग किसी भी तरह चंद्र को यहां आने से रोको, रोको उसे। होटल मेरिडियन या मेस पीटर में से चंद्र शर्मा प्लीज, या रूम नंबर 502। निकल गए। हेलो, अराइवल इन्फॉर्मेशन। हाँ, मुझे ये दिल्ली से आने वाली फ्लाइट के बारे में पूछना था, ये AI-110 या आ गई है। आई वॉन्ट टू स्पीक टू वन ऑफ द पैसेंजर्स, चंद्र शर्मा। सब पैसेंजर्स निकल गए। पापा का मोबाइल ट्राई कर। हाँ। अविता, अजय, कहाँ है सब लोग? वो आ गया। अच्छा, तो निशा के कमरे में है ये लोग। मैं इन्हें सरप्राइज देता हूँ। फोन काट दिया। वो आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बहुत इंतजार करवाया तूने। किसी को मारना बहुत आसान होता है लेकिन खुद मरना बहुत मुश्किल। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करने आई हूं।